राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर बीजेपी हर हाल में सत्ता में वापसी करना चाहती है। इसके लिए पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी है और प्रदेश में परिवर्तन यात्रा कर रही है, जिसके लिए राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के सिलसिले में केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वी के सिंह दौसा पहुँचे और उस दौरान उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर खुद ब खुद भारत में शामिल हो जाएगा। देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। पूर्व सेना प्रमुख के इस बयान के बाद विपक्ष ने भी उनके इस बयान पर कटाक्ष किया है और कहा कि जब पूर्व सेना प्रमुख अपने पद पर थे तब उनको अपने कार्यकाल में पीओके को लेने की कोशिश करनी चाहिए थी। हमने हमेशा ये देखा है, एक सपना देखा है हमने, एक अखंड भारत बने, अखंड हिंदुस्तान बने। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, हम हमेशा बोलते हैं हमारा हिस्सा है, लेकिन एक्स आर्मी चीफ जब अपने पद पर थे तब लेने की कोशिश करनी चाहिए थी आर्मी चीफ ने। अब कैसे आप ले सकते हो, हम आपका स्वागत करेंगे अगर उस बारे में कोई पहल होती है तो, लेकिन उससे पहले मणिपुर को शांत कीजिए, मणिपुर तक चाइना घुस गया है। दरअसल कश्मीरी कार्यकर्ता शब्बीर चौधरी ने आम जनता की परेशानियों को बताते हुए एक वीडियो शेयर किया और वीडियो में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अवैध कब्जे से परेशान होकर आम जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगा रही है। बहुत से लोगों ने सुना है कि LOC के नज़दीक जहाँ पर इंतजामी फौजी सामने नज़र आते हैं, तो मुख्तलिफ जगह हैं ऐसी, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर खड़े होकर उन्होंने नारे लगाए और उन्होंने कहा कि मोदी को बोलो को हमें भी आज़ाद कराए और हमारी जान बचाए, हम यहाँ पर भूख से मरे जा रहे हैं। तो यहाँ पर इतने आटा इस तरह मिलता है, वहाँ पर कितना सस्ता मिल रहा है, तो हमें हमारी जान छुड़ाए इन लोगों से और आप आएँ और हमारी मदद करें। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में इन दिनों पाकिस्तान विरोधी जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। पीओके के शहरों, कस्बों और गांवों के निवासी भोजन की कमी, आसमान छूती महंगाई और ज्यादा टैक्स लगाने के विरोध में सड़कों पर उतर आई है और आस भरी निगाहों से पीएम मोदी से गुहार लगा रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को अब छुड़ाने का वक्त आ गया है।